मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा का सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी को ठीक ठाक खैरियत से। आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड स्पाइसी फिश और ये बहुत ही मज़े की होती है। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी होती है और बहुत क्विक बनती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर रही हूँ और हम इसको किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपने स्वीट एंड स्पाइसी फिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने तकरीबन मेरे पास 1 पाउंड जो है ये मैंने फ़िश फिलेट्स लिए हैं। इनको मैंने इतने बड़े पीसेस में काट लिया, तकरीबन 1 इंच का पीस है। और इसके साथ मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है जूलियन कट जिंजर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, 2.5 टेबल स्पून मेरे पास शुगर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, मैगी का पाउडर है जो हम चिकन ब्रॉथ वगैरह यूज़ करते हैं उसका है, ये मैं इस पर पानी ऐड करूँगी, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है ये क्रश पेपर है, रेड चिली क्रश पेपर। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है वो चॉप ग्रीन चिलीज हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास कश्मीरी चिली पेस्ट है और सॉल्ट जो है मैंने इसमें लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। ये मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 कप ऑयल यूज़ करूँगी। चले फिर मैं आपको बताती हूँ मैं इसमें क्या कर रही हूँ अभी। पहले हम जो अपनी मैरिनेशन करते हैं, मैं इसके अंदर अपनी फ़िश के अंदर जो है ये मैं कॉर्नफ्लावर जो है मिक्स करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये हमारा इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स हो गया। अब हम इसको फ़िश को जो है अच्छी तरीके से इसके साथ कोट कर लेंगे कि हमने अच्छी तरह से कोटिंग इसकी हो गई है। अब चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। तो मैं अपने स्टोव ऑन करके मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। स्टोव जो है वो हमारा ऑन है, थोड़ा गर्म भी हो गया। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, अभी मैं इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसको फिश को फ्राई करना है। और जो है हमारा हीटअप हो गया है, अब मैं इसमें अपनी फिश डाल रही हूँ। तो इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ये हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल के अपना बाकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखें अभी ये फ्राई हो रहे हैं तो इनको हमें मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में ब्राउन हो जाएंगे। फिश इतनी हो गई है, थोड़ी सी मैं और करूँगी तो गोल्डन ब्राउन। फिर मैं इसको ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा मैं इसको ये आपस में चिपक गए थे क्योंकि उस कॉर्नफ्लावर की वजह से मैंने इसको सेपरेट भी कर लिया है। थोड़ी सी और ये ब्राउन हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट जो है प्रोसेस को शुरू करेंगे। चलें ये हमारी फिश जो है रेडी हो गई है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैं इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे कि हमें इस ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हमें इतना ऑयल नहीं चाहिए। तो मैं इस ऑयल को जो है इसमें पोर कर रही हूँ बर्तन में अपने और हम जो नेक्स्ट वो है वो शुरू करते हैं। तो चले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, छोड़ दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। अब मैं इसमें अपने जिंजर डाल रही हूँ। जिंजर को हम हल्का सा सॉटे करेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अब जिंजर के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ अपना जो हमारा मैगी का जो स्टॉक था चिकन स्टॉक, जिसको हमने डाल दिया। इसे मैं चिकन का स्टॉक डाल रही हूँ, आप चाहें तो फिश का डाल दें अगर आपके पास हो, या कोई भी स्टॉक डाल दें वो तो हमें उसके ही चाहिए सॉस के लिए। थोड़ा सा ही होगा पानी थोड़ा तो पानी डाल रही हूँ, अभी डाल रही हूँ, बाद में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें एक बॉईल आ जाए फिर इसमें बाकी मैं चीज़ें जो अपनी ऐड करती हूँ। अब इसमें अपना हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट मैंने डाल दिया, रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो डाल दिए, ब्लैक पेपर डाल दी, सोया सॉस
सोया सॉस डाल दिया, ये सब हम साथ मिला के इनको हमें पकाना है। ये जो हमारा है टोमेटो पेस्ट, ये भी इसमें चला गया। मेरे पेस्ट चला गया। अब मैं इसमें थोड़ा 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 पानी में ऐड करते रहेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा सा पानी में ऐड करती होंगी। अब जो है इसमें हमारी कश्मीरी चिली पेस्ट है, ये भी चला गया। ये चला गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें चलेंगी सिवाय शुगर के उसके। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट। अब जो हम इसमें अपनी शुगर ही मिला देंगे, शुगर हमारी चली गई। शुगर के साथ इसका जो टेस्ट है वो स्वीट आएगा, तो हमें इसमें शुगर जो है अच्छी मिलानी है, 2.5। थोड़ा सा पानी और, ये सब कुछ मेल्ट हो जाए इसके अंदर, शुगर जो मेल्ट हो जाए अपनी। अच्छा, इतनी देर में मैं जो अपना कॉर्नफ्लावर है इसके अंदर मैं पानी मिला के इसको वो कर रही हूँ, थोड़ा सा पेस्ट बना रही हूँ ताकि हमें इसमें चाहिए होगा। चलें, ये हमारा, मैं इसमें अपना जो कॉर्न स्टार्च कॉर्न फ्लावर जो है वो ऐड कर रही हूँ उसको थिक करने के लिए। ये कंसिस्टेंसी जो है ये आपको चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमें इसमें भी चिकन अपनी कोट करनी है। ये बिल्कुल देखें परफेक्ट जो हमारा है। अब मैं इसकी लो, बिल्कुल लो पे कर रही हूँ इसकी हीट जो है, कि हमारा सॉस जो रेडी हो गया है। अब हम अपनी जो है इसमें फिश ऐड कर देंगे। ये देखें फिश हमारी ऐड हो गई, और ये हमारा ज़बरदस्त जो है इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त और ये इतना ज़बरदस्त, बस हम इसको अब इसको ऐसे निकाल लेंगे। चलें, मैंने अपना प्लेटर जो है वो तैयार कर लिया, अब इसको अपने फिश को निकाल रहे हैं। मैं इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। वाओ, बहुत ही मज़े की बनती है, चटपटी, बहुत ही मज़े की बनती है। बनाइएगा इसको, आपको बहुत अच्छी लगेगी। डिश हमारी बिल्कुल रेडी। बताएं कैसी लग रही है आपको। चलें फिर इसको ट्राई करते हैं। चलें, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट एंड स्पाइसी जो फिश है वो तैयार है। बहुत सिंपल इसकी रेसिपी थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हर चीज़ बिल्कुल तैयार पक गई, और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसके सारे घर में आके मौजूद होते हैं, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं थी, और बहुत मज़े की बनी है। शक्ल देखें कितनी प्यारी है इसकी। चलिए मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ कैसी बनी है, मुझे तो बहुत ही भूख लगी। मैं इसको प्लेन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि जो फ्लेवर वाले आप राइस के साथ अगर इसको सर्व करेंगे तो आपको भी इसका असल जो टेस्ट है वो आएगा ही नहीं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, देखें क्रंची स्वीट एंड स्पाइसी, बहुत ही मजे की है, डिलीशियस। चले फिर आप इस स्वीट एंड स्पाइसी फिश को जरूर बनाइएगा, बहुत ही मजे की बनी है, और बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी, अपने फैमिली और फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिएगा इसको, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही और भी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।